नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। महाराष्ट्र की बीजेपी की नेता जबलपुर से लापता हैं। बीजेपी की नेता सना खान 1 अगस्त से लापता हैं। सना अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने नागपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर गई हुई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। सना ने अपने परिवार से कहा था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएंगी, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी सना नहीं आई और उनका कोई खबर भी नहीं है। सना का फोन भी बंद है। अब उनके परिवार वालों ने नागपुर के मानकापुर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी, मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं, राजूला टाउन में, हम हिसाऊ की तरफ में। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे करीब कि ठीक है, यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें को थोड़ा सा अनसेफ फील लग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हमको, ठीक है। पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है, तो मुझसे बात नहीं हुई थी, बड़े भैया से बात हुई थी जो घर पे थे, उनसे बातचीत हुई थी। उसके बाद में फिर हमने वापस उनको कॉल लगाने की कोशिश करी बड़े भैया ने, तो नंबर लग नहीं रहा था उनका, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने बोले कि शायद ट्रैवल करके गए होंगे, बैटरी वैटरी डाउन हो गई, नहीं चार्ज करे होंगे, थक गए होंगे, तो हमने वो दिन छोड़ दिया। हमने नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मम्मी ने अमित साहू को फ़ोन लगाया। जब अमित साहू को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है, मेरी बेटी से बात कराओ। तो बोले आपकी बेटी बोले वापस चलेगी, बोले तो बोले कहाँ चलेगी, बोले बोले वो चलेगी, बोले वापस, बोले अब वो आई, बोले हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बोले बहुत ज़्यादा, बोले ठीक है, ठीक है हमारा बेटी हुई, बोले उसके बाद वो निकल गई, बोले तो। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया वापस। फिर मम्मी ने उसको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो हम लोगों ने और ट्राई करने की कोशिश करी, फिर अमित साहू के नंबर पर ट्राई करने की कोशिश करी, बेटी के नंबर पर ट्राई करने की कोशिश करी मम्मी ने, पर वो नंबर लग ही नहीं रहा था। तो हमको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है, 2 में से कोई 1 जन तो बात करता था। तो हमने फिर तुरंत गाड़ी टिक निकाली, टिक थाने गए, मानकापुर थाने में हमने, हमारा जो क्षेत्रीय थाना आता है, हमारे एरिया का जो थाना आता है, वहाँ पर हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद में फिर हम ठीक है जबलपुर के लिए निकले। जब यहाँ जबलपुर में आए हम लोग, यहाँ पर हम लोग ने अर्जी लगाई है, ठीक है, कि हमारी ठीक है लड़की मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में, और उनके नंबर भी नहीं लग रहे। तो यहाँ से हमको थाने से तो सहायता मिली कि उन्होंने बोले कि ठीक है हम कंप्लेंट आपके ले लेते हैं, अर्जी ले लेते हैं। उन्होंने अर्जी लिया हमारी और उसके बाद में उन्होंने तपास चालू करा उस चीज़ को लेकर। पर अभी तक ऐसा है कि कोई उस चीज़ पर पता नहीं चला है कि हुआ क्या है। ऐसा पता चला है कि उसका मर्डर हो चुका है और उसकी हत्या करके लाश को हिरन नदी में फेंक दिया गया है। परंतु यहाँ का प्रशासन इतना, पुलिस प्रशासन स्लो चल रहा है कि 2 तारीख की घटना को आज तक के आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बॉडी कहाँ है ये हमें पता नहीं है, परिजन सारे परेशान हैं और सभी जगह हो हल्ला हो गया है। पूरे नागपुर शहर की मीडिया एक्टिव है और जबलपुर प्रशासन अभी तक के सोया हुआ है, बस इसी को एक्टिव करने के लिए। और हमारी बॉडी, जो बहन की जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करें या फिर जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाए, यही हमारी मांग है। आपको बता दें, सना खान नागपुर बीजेपी की सक्रिय महिला नेता हैं। परिवार के मुताबिक वो जबलपुर में अपने बिजनेस पार्टनर पप्पू साहू से मिलने गई हुई थी। पप्पू साहू शराब तस्करी करता था और वो जबलपुर के पास एक ढाबा भी चलाता था। सना और पप्पू का बीते कुछ समय से पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। खबर ये भी है कि सना और पप्पू ने शादी भी की थी। नागपुर के मानकापुर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम सना खान की तलाश में जबलपुर गई थी। अब तक उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। पप्पू साहू भी अपने परिवार के साथ फरार है। सना खान की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नागपुर पुलिस जबलपुर पुलिस की मदद से जांच कर रही है और मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सना खान लापता कैसे हो गई और अब तक उनका कुछ पता कैसे नहीं चला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।